हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर ही दैट इज अ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यानी कि वो अपनी वेलोसिटी ना कम कर रहा है और ना ही ज्यादा कर रहा है, एक ही स्पीड से वेलोसिटी से चलता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? When object cover unequal distance in equal intervals of time, it is said to be in non-uniform motion. जब object equal interval of time तो आपके interval same है, लेकिन जो distance है कई बार कम है कई बार ज्यादा है, तो ऐसे motion को हम लोग non-uniform motion कहते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो जो distance है वो तो same रख लिया अपने, सिर्फ 5-5 का गैप, 0, 5, 10, 15, 20, लेकिन जो टाइम है वो डिफरेंट है। ये ट्रेवल किया 2 सेकंड में, ये किया 3 सेकंड में, ये किया 1 सेकंड में, ये फिर किया 2 सेकंड में या 3 सेकंड में, तो टाइम इंटरवल डिफरेंट हो गए लेकिन डिस्टेंस कवर सेम है, तो इसे भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये जो चीज है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। उसके बाद speed and average speed. What is speed? The ratio of rate of change of position of an object with respect to time is called speed. जब आप किसी object की position की बात करते हो और वो बदल रही है with respect to time, time के with respect, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Speed बोलते हैं। कोई object position A पे है और कुछ time के बाद वो point B पे चला गया, तो इस मोशन का जो रेट होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट SI मीटर होती है और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का रेशियो यूनिट है। स्पीड का फॉर्मूला हम लिख भी सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। Now, there is another term that is called average speed. What is average speed? Ratio of total distance covered in total time taken. अब आपने जगह A से B पे गए हो आप लोग, और वहां पे आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, चाहे वापस भी आए आप लोग, और उसको कवर करने में आपको कितना टोटल टाइम लगा, जब उसे आप डिवाइड करोगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी दैट विल बी द एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड का फंडामेंटल क्या होता है? जब हम लोग किसी जर्नी पे चलते हैं तो कई बार हमारी स्पीड ज्यादा होती है, कई बार हमारी स्पीड कम होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ट्रैफिक है, टाइम है, रोड की कंडीशन है, तो उस तरीके से हमारी जो स्पीड है कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती या मोशन कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, तो फिर उसे हम लोग एक एवरेज का नाम देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड से हमने होल जर्नी कवर किया है। हालांकि स्पीड कई बार कम भी हो जाती है, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। ऐसा यूनिट सेम रहेगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम आपका सेकंड में है, तो यूनिट ऐसा ही मीटर पर सेकंड ही रहेगी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती वो स्केलर होती है। हालांकि ये बात थोड़ा सा यहाँ पर गलत ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली वेक्टर लॉस को फॉलो करती है। जो चीज वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सिंपल एडिशनल रूल्स फॉलो नहीं करती, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रख सकते हो कि जो स्पीड है और एवरेज स्पीड है इनका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों ही कभी भी जीरो नहीं हो सकते, कभी भी इनकी वैल्यू आपको जीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होता एंड नेगेटिव, और ना ही ये कभी आपको नेगेटिव माइनस में मिल सकते, ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू में मिलेंगे,
1 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड, जितना भी हो जाए बट है कुछ भी, लेकिन हमेशा वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहने वाली है। ओके, देन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम लोगों ने डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया डिस्प्लेसमेंट से और नीचे हम लोग टाइम टेकन की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो हमें जिस क्वांटिटी दे रहा है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसे अपा वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड में आपका डिस्टेंस देना होता है, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट टर्म को टेक ओवर करना होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ऐसा यूनिट सेम रहेगी दैट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड है। देन एवरेज वेलोसिटी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। जो आप स्टार्टिंग आपने वेलोसिटी से मूव किया दैट इज यू, सपोज कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू है, और जब भी आपकी लास्ट मोमेंट पे वेलोसिटी है दैट इज फाइनल वेलोसिटी वी, जब आप इनका एवरेज लोगे अरिथमेटिक मीन मतलब प्लस करके अपॉन टू करोगे, तो जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। तो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी करके अपॉन टू कर दो तो एवरेज वेलोसिटी आपको मिलती है। ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ऊपर मीटर आ रहा है, क्योंकि ऊपर क्योंकि सॉरी यहाँ पे यू प्लस वी क्या है, दोनों ही वेलोसिटीज हैं, तो इनका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। टू एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड चला गया। वेक्टर क्वांटिटी है वाई, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी है, तो इसीलिए दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होती है। इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो फिर हमारा जो वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी है ये भी नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हो ही सकता है, और इवन जीरो भी हो सकती है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, आप घूम फिर के उसी पोजीशन पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो और तो फिर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आज हमारे सेशन में यही था, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।